चलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई दीपक बिष्ट जी हैं, जो यहाँ पे लेमन ग्रास का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राम मैरा में यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनका काम चल भी रहा है, तो थोड़ा आइए उनसे रूबरू होते हैं। दीपक बिष्ट जी, थोड़ा सा अपने बारे में नमस्कार। बताइए पहले तो, और थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपको ये सोच कहाँ से मिली इस ग्रास के बारे में, लेमन ग्रास के बारे में। एक्चुअली मैं किसी मीटिंग में गया था तो मेरे को एक दीपक ढोंडियाल जी मिले थे, वो चौथान क्षेत्र के, हाँ, तो उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी थी। और रुद्रपुर में वो एक उद्योगी हैं, तो उन्होंने ही मुझे इसकी प्रेरणा दी थी। और उसके बाद मैं अपने आप अपने से लगभग अपनी मेहनत से सब चीज़ कर रहा हूँ। हाँ पहले मैं अकेले था, हाँ आज मेरे साथ पूरा ब्लॉक ब्लॉक ने मेरे को सहयोग किया। तो 400-500 नाली में मैंने अपने गांव में लगवाई ब्लॉक के थ्रू मनरेगा के तहत, और 400-500 नाली में हमने ग्राम थवाड़ा अंदरौली के अंतर्गत आने वाला ग्राम थवाड़ा में भी लगवाया, ठीक। और वहाँ के किसान भी इससे लाभान्वित हैं और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं इससे। दीपक भाई, जरा हम तो ये बताओ कि कितना खर्चा आ सकता है इस प्लांट को लगाने में? एक्चुअली इस पे सरकार लगभग पहाड़ों को तो 75% सब्सिडी देती है। लगभग ये 5 क्विंटल का हमारा प्लांट है, हाँ 5 क्विंटल लेमन ग्रास का इसमें तेल निकाल सकते हैं। लगभग 3 से 3.5 लीटर इसमें तेल निकलता है एक बार में, हाँ तो इसमें लगभग इसकी कॉस्ट है लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए तक। हाँ लेकिन सरकार जब सब्सिडी दे रही है 75%, तो लगभग 1.5 लाख रुपए में लगभग लग जाएगा डेढ़ लाख अपने से। रुपये। और इसका ये बीज वगैरह ये सब चीज़ हम कहाँ से इसको ये मतलब मनरेगा के तहत सरकार सारी चीज़ें फ्री करवा रही है, आपका खेत जोतने का पैसा दे रही है और आपको लगाने का पैसा दे रही है, पौध दे रही है, सब चीज़ दे रही है सरकार। सरकार तो सब कुछ कर रही है, लेकिन हम लोग नहीं करना चाह रहे कुछ ना नहीं, जैसे अब हमारे बंजर खेत हैं तो इसके लेके पानी की व्यवस्था की जरूरी है ना या ना ना बिना कोई पानी? ज़रूरी नहीं है। एक बार मतलब बरसात में लगाना है, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली अगर बारिश हो जाएगी तो 3 महीने में फसल ले सकते हो, नहीं तो 4 महीने में यहाँ पे 3 फसल आराम से ले सकते हो। यहाँ पे मतलब कोई सीजनेबल नहीं है ये? सीजनेबल नहीं सीजनेबल है, कुछ नहीं है, ठीक सीजनेबल है। नहीं है, कुछ नहीं। तो मतलब क्या क्या लगता है कि आपको हम कितना इससे वैसे मंथली एवरेज हम कितना कमा सकते हैं जिससे हमारा मतलब रोजी रोटी भी चल जाए इजीली, और खर्चे पानी सब निकाल के हमारा कितना आ जाता है इसमें मतलब? नहीं तो ये तो बड़ी मात्रा में ये मतलब सामूहिक रूप से हो सकता है यहाँ क्षेत्र में ना, हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे गांव के हाँ खेत बड़े छोटे छोटे होते हैं हाँ और इतनी कम मात्रा में नहीं कर सकते। तो ये सामूहिक अगर ग्राम सभाएं इसमें पहल करें तो पूरा मतलब गांव अच्छी इनकम कर सकता है इसे, हाँ हाँ सामूहिक रूप से इसमें इनकम की जा तो सकती है। इसकी क्या प्रक्रिया है मतलब, जैसे नीचे से आग लगा रहे हैं अभी शायद, उसमें आप थोड़ा ये सा बता डिस्टिलेशन दीजिए। है ना, डिस्टिलेशन इसमें ये जो पार्ट है ना, हाँ इसमें पानी है आपका, हाँ अच्छा ये पार्ट है ना इतना, हाँ हाँ इसमें पानी है, ठीक है इसमें जाल डाली हुई है हमने, ठीक है उसमें जाल में हमने लेमन ग्रास रखी हुई है, एक और जाल है इसमें, हाँ हाँ उस नीचे से जब हम आग लगाते हैं तो भाप भाप निकलती है, वहाँ से डिस्टिलेशन हुआ, ठीक वो इसका कंडेंसर है, उसमें हम रेगुलर ठंडा पानी छोड़ते हैं तो उसको ठंडा करता है, अच्छा। उसमें टैंक में जमा होता है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ और उसके बाद जो तेल हल्का होता है तो तेल ऊपर ऊपर चढ़ता जाता ठीक है ना, और हाँ पानी नीचे रह जाता है भारी होने के कारण। अच्छा अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा उसमें एक अपने बॉटल में हाँ हाँ ले लो उसको, तो एक दीपक बर्तन भाई में। ये बताइए हमें कि ये जो तेल निकलता है इसका ये किस किस चीज़ के काम आ सकता है वैसे मतलब? ये परफ्यूम में काम आ सकता है, कॉस्मेटिक्स में काम आ सकता है, और आपका जैसे एंटी मॉस्किटो है। अच्छा, तो हाँ इसका बाजार में मतलब क्या रेट होगा वैसे तेल का अभी अगर? तो लगभग 1,000 रुपये चल रहा है, 1200-1500 इसकी। अभी हमने लैब टेस्टिंग के लिए भेज रखा है इसको, अगर इसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो रेट अच्छा मिल जाएगा इसका। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो मतलब अभी आपने कितने बीघा में कर रखा है टोटल, कितने थोड़ा? हाँ लगभग 5 हेक्टेयर में हमने अब अभी लगाई है, हाँ और अभी हमने मतलब कमी में अभी किया तो था मैं देख रहा हूँ कि लगभग शायद बीस हमने तीस सारे नाली खेतों से निकाल ही दिया, अभी तो ज़्यादातर ग्रास जो है नहीं, सारे ये इस इनमें नहीं है, ये तो हमारे ऐसे कह रहे ऊपर 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 हाँ सबसे ज़्यादातर आपने निकाल ही दिया हाँ जितना निकाल। निकाल ही दिया है। हाँ अच्छा, और हम साथ में रोजेड़ा जो है एक घास ये इसका भी? मल्टीपर्पज़ मशीन है, इसमें रौदेड़ा और अकोड़ा खुंजू हाँ मल्टीपर्पज़, अगर आपके यहाँ पुदीना हो जाए तो पुदीना का निकाल सकते हैं। और इससे छोटी मशीनें आती हैं, गुलाब का तेल भी निकलता है इसी मशीनों में। अच्छा हाँ, और इसमें गौमूत्र का अर्क भी निकाल सकते हो। अच्छा हाँ
चलो बढ़िया है। जहाँ एक तरफ लोग बाग यहाँ से प्लान कर रहे हैं रोजगार के चक्कर में, हमारे दीपक भाई ने यहाँ जॉब भी करी है नोएडा में, 3 से 4 साल जॉब भी करी है, उसके बावजूद भी अब वो पहाड़ों पे आ रहे हैं, रोजगार यहाँ पे देखिए वो कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जिसको अगर सोच है कि भाई कुछ करना है रोजगार के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि रोजगार का कि उसको अवसर ढूंढने की जरूरत है, रोजगार ही रोजगार है। अगर आदमी चाहे तो बहुत चीज़ें कर सकता है। आप देखोगे घास जो रौदड़े हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, इससे भी तेल निकल रहा है। लेमन ग्रास जो हमारे बंजर खेत हैं सब ये लेमन ग्रास लगा के दीपक भाई उपजाऊ कर रहे हैं। और शायद आपने मछली पालन का भी ऊपर किया है दीपक भाई, मछली पालन, तो उसमें कुछ हो रहा है बेनिफिट अभी मछली नहीं, अभी पालन? तो पहली बार डाला हमने, पहली बार डाला, तो इसमें कुछ सरकार से मदद मिली है जिसमें? सरकार ने हमें वो दिए थे ना, मच्छियाँ दी थी, 2 रुपए की एक मच्छी दी थी, उन्होंने 200 मच्छियाँ डाली थी हमने, और 400 रुपए का मतलब फीड दिया था, हाँ 600 रुपए का फीड दिया था उन्होंने हमें। अच्छा, तो मतलब लगभग 48 रुपए किलो था, तो उन्होंने 600 रुपए में दिया हमें, मतलब सब्सिडाइज दिया ना फीड हाँ उनका, अच्छा अच्छा एक कट्टा 25 किलो का। अच्छा, चलो बढ़िया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे दीपक भाई जो पहाड़ों पे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें आशा है कि इनकी बातों को लेके, इनके ज्ञान को देख के लोग बाग और भी जागरूक होंगे जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने में इनका साथ देंगे। मेरा तो ये कहना है जो आपके बंजर खेत हैं आप कुछ ना करिए, दीपक भाई से संपर्क करिए। दीपक भाई मैं चाहूँगा आप एक बार अपना नंबर जरूर बता दीजिए यहाँ पे वीडियो में, ताकि लोगों को जो है अगर आपसे संपर्क करना हो तो जरूर आपसे संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। मेरा नंबर है 9759209761। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग ब्लॉक से संपर्क करें और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डालें कि मनरेगा के तहत हमने खेतों की फ़ोटो और ग्राम सभा की उसमें बैठक की वो डाल दें उसमें, तो वो सरकार भी हेल्प कर रही है, सरकार पहाड़ में हेल्प कर रही है सरकार। चलिए बढ़िया है, पूरी तरह से सरकार सहयोग कर रही है, बस हम लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। मतलब आदमी को खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, बिल्कुल, पहले बिल्कुल। खुद आगे आना पड़ेगा तब जाके सरकार मदद करेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार तो आपको घर से उठा के ले जाएगी, हाँ बेटा तू ये काम कर। बिल्कुल सही, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है दीपक भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मिलने के लिए, है ना।